झारखंड विधानसभा के मांडर सीट पर हुए उपचुनाव में 29 साल की शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की है। इस सीट पर पहले नेहा के पिता बंधु तिर्की विधायक थे, लेकिन आय से 6 लाख रुपए अधिक होने के चलते उनकी विधायकी चली गई थी। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा और आज ये नतीजा है, जहां बेटी ने पिता के अधूरे सपने और उनके सम्मान को वापस लाया और सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह चुनाव बंधु तिर्की और कांग्रेस पार्टी के लिए स्वाभिमान की लड़ाई बन गई थी। नेहा तिर्की ने भाजपा के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को हराकर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद नेहा के पिता बंधु तुर्की की विधायकी चली गई थी। उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। ऐसे में नेहा ने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। बतौर मार्केट कम्युनिकेटर उन्हें लाखों की सैलरी मिल रही थी, जबकि उनके पिता की विधायकी मात्र 6 लाख रुपए का हिसाब ना दे पाने के चलते चली गई। नेहा तिर्की ने बताया कि मेरे बाबा को राजनीतिक साजिश में फंसाया गया है, ऐसे में मैं बाबा की अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए राजनीति में आई हूँ। अपने बाद अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए बंधु तुर्की के फैसले पर नेहा तिर्की ने बताया है कि मेरे बाबा ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, शुरू से ही मैंने जो करना चाहा उन्होंने करने दिया, उन्होंने कभी मेरे फैसलों को लेकर सवाल नहीं किया, मैं उनके भरोसे पर भी खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके पिता मांडर में अपने काम की वजह से लोकप्रिय हैं और वो भी अपने पिता की ही तरह जनता की सेवा करना चाहती हैं। नेहा तिर्की की जीत के बाद सोशल मीडिया पर उनके कई समर्थकों का दावा है कि बंधु तुर्की जिस 6 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे पाए, वो उन्होंने अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई पर खर्च किए थे। नेहा की शुरुआती पढ़ाई रांची के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। आगे उन्होंने बेंगलुरु के क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन के बाद मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया था। फिलहाल नेहा तुर्की की जीत के बाद से उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है।